गुड आफ्टरनून टू ऑल बच्चे। हमारा जो आज का टॉपिक है जो है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, हमारी जो है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ये टॉपिक आता है, जो कि हमारा है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब हमने इसकी डेफिनेशंस करनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है। कंपनी जो है ये एसोसिएशन होती है उन पर्सन्स की जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं अपना मनी, यानी कि कंपनी जो है ये ऐसे पर्सन्स का ग्रुप है जो कि अपना पैसा जो है वो कॉमन स्टॉक में डालते हैं और उसका जो है ट्रेड या बिजनेस जो है करते हैं, और उसका जो भी प्रॉफिट आता है या लॉस आता है वो इक्वली शेयर करते हैं। ठीक है, अब ये जो है पर्सन जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करता है या बिलोंग करता है उस कंपनी के साथ, उसे हम क्या बोल देते हैं, मेम्बर्स। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, जिस वॉलेंट्री होता है जहाँ पे आप अपनी मर्जी से आते हो। ठीक है, इसमें जो है जो भी पर्सन आता है वो प्रॉफिट्स के लिए आता है, और उसमें कैपिटल को हम डिवाइड कर देते हैं किसमें, ट्रांसफरेबल शेयर्स में। ठीक है, अब ऑनरशिप जो है इसमें जो है क्या होता है, कंडीशन होती है हमारे मेंबर्स की। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग। अब बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ये ऐसी टाइप होती है कॉरपोरेशन की या फिर पार्टनरशिप की, जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उनका शेयर जो है या स्टॉक जो है कंपनी का वो इसमें हम लेकर आते हैं। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप। अब बोलते हैं सर्टिफिकेट जो है ऑनरशिप का वो इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा, और इसमें रिटर्न जो है हर एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के लिए दी जाती है, यानी कि अगर जो वो जितना पैसा लगाते हैं उसका उन्हें एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाता है शेयर्स के बिहाफ पे। अब शेयर होल्डर जो होते हैं वो अपना जो शेयर्स हैं जो कि उन्होंने कंपनी से खरीदे थे वो जो है उनको या तो रख सकते हैं या फिर उन्हें किसी भी टाइम पे बेच सकते हैं। इसमें जो है कंपनी को कोई भी एतराज़ नहीं होता, और कंपनी जो है अपने गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, ये जो एक्ट है ये कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो बताता है, और ये जो पर्सन है ये लॉ ने जो है बनाया है, और इसमें जो है एक सेपरेट एंटिटी होती है, और इसमें जो है इसका परपेक्चुअल सक्सेशन और इसकी एक कॉमन सील जो है वो दी जाती है। तो ये जो है ये हमारा मीनिंग है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी की, एक कंपनी के जो है वो करेक्टरिस्टिक्स, एक कंपनी के जो है वो करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स की बात करते हैं, उनकी जो है बॉडी है, लिविंग है, तो आर्टिफिशियल पर्सन में ये सारी चीज़ें नहीं होती। ये सिर्फ जो है इसका कोई फिजिकल पोजीशन नहीं होता, ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते जैसे कि हमारी बॉडी है। ठीक है, जो हम जो है नेचुरल पर्सन है, और ये जो है ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और इसका कोई, सिर्फ इसका जो है एक लीगल स्टेटस होता है, इसका जो है कंपनी में नाम वगैरह जो है वो चलता है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब बोलते हैं हम जो है ये क्या है, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी जो है वो क्या होती है, इसके पास इंडिपेंडेंट होते हैं अपने मेंबर्स। ठीक है, इसकी जो है ये जो है प्रॉपर्टी ले सकता है, एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, या कंडक्ट कर सकता है किसी भी लॉफुल बिजनेस को अपने नाम पे, और हम इसे स्यू कर सकते हैं, और ये इसे स्यू, ये किसी को स्यू कर भी सकता है और हो भी सकता है, कहाँ पे, हमारे कोर्ट में। कॉमन सील, जैसे कि हम बात करते हैं अपनी स्टैम्प वगैरह की, तो हर एक कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है जो कि वो रिप्रेजेंट करती है कि वो डील कर रही है किसी भी आउटसाइडर से, या डॉक्यूमेंट में जो उनकी कॉमन सील होती है ये ऑफिशियल्स के द्वारा साइन की जाती है जिसके साथ कंपनी बंधी हुई है। नेक्स्ट है परपेक्चुअल एग्जिस्टेंस। परपेक्चुअल एग्जिस्टेंस में क्या होता है, कंपनी अगर जो हमने एक बार फॉर्म कर ली तो वो कंटिन्यू करती है कि वो एग्जिस्ट करेगी लॉन्ग पीरियड तक, यानी कि वो चलती रहेगी, और उसको जो है लॉ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। ये जो है अगर जो किसी की डेथ हो जाती है, कोई पागल हो जाता है, कि अगर जो उसके पास इंसॉल्वेंसी है या रिटायरमेंट हो गई है, तो ये इस चीज़ को इफेक्ट नहीं करता, कंपनी इस चीज़ के द्वारा कभी भी इफेक्ट नहीं होती। लिमिटेड लायबिलिटी। अब बोलते हैं लायबिलिटी जो होती है मेंबर्स की या जॉइंट स्टॉक कंपनी की, ये क्या होती है, ये हमेशा ही
लिमिटेड होती हैं, ठीक है। ये जो है लिमिटेड होती है गारंटी के द्वारा या फिर शेयर्स जो कि वो लेके आता है, और दूसरे वर्ड्स में हम पेमेंट जो है डेट्स की या कंपनी के द्वारा करते हैं, और शेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लायबल होते हैं उसके एक्सटेंड, यानी कि उसने जितने शेयर्स खरीदे हैं, जितने के शेयर्स खरीदे हैं उसको उतने ही दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स यानी कि हम जब अपने शेयर्स किसी और को दे सकते हैं या हम उसे जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं। अब बोलते जो मेंबर होते हैं कंपनी के वो फ्री होते हैं कि वो जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने शेयर्स को जो कि उन्होंने अपने पास रखे हैं, चाहे वो अपने पास रखें या फिर वो किसी और को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा आज का कुछ टॉपिक जो था वो हमने किया है जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। अब इसका जो है हम कल जो है नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू क्लास।